अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज हम मुद्दे में बात करेंगे ऐसी पार्टी की जिसके भीतर ही भीतर कार्यकर्ताओं में उबाल है, लेकिन कसमसाहट के अलावा वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सतही तौर पर यदि सब कुछ शांत नजर आ रहा हो तो यह जरूरी नहीं कि सब शांत हो, और भीतर ही भीतर आक्रोश, असंतोष और असंतुष्टि की ज्वाला धड़कने रही हो। कम से कम मेरठ भाजपा में तो बिल्कुल भी नहीं। भाजपा के बेहद लाडले विभांशु वशिष्ठ व उसके पिता राकेश शर्मा की मौत के बाद तो कदापि नहीं। कोरोना की रोकथाम को जरूरी इंतजाम करने में सामने आई अव्यवस्था पर भाजपा के सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्यों की लंबी चौड़ी फौज की चुप्पी पार्टी कार्यकर्ताओं को भीतर ही भीतर खाई जा रही है। तभी महानगर जिला मंत्री दीपक शर्मा ने मौजूदा सिस्टम पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई भी। कुछ और भी लोग दबी जुबान में सामने आए, लेकिन सभी को हाथ की उंगली हिलाते हुए चुप रहने का इशारा कर दिया गया। इन हालातों के बाद कार्यकर्ता स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका सीधा मानना है कि जब मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाने वाले विभांशों की मौत पर सभी चुप्पी साध सकते हैं तो वो किस बिसात के मोहरे हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता रही है कि लॉकडाउन में कोई भी भूखा ना रहे। इसके लिए प्रशासन को सख्त हिदायत के साथ रोकड़ा भी उपलब्ध कराया गया। यह राशन अथवा खाना सही लोगों तक पहुंचे और वाकई में पहुंचे, इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए पार्टी पदाधिकारी को कहा गया। इस कार्य में पदाधिकारियों को केवल मॉनिटरिंग तक ही खुद को सीमित रखना था, लेकिन हुआ यह कि प्रशासन तो पीछे रह गया, पार्टी पदाधिकारी खासे आगे निकल आए। पूरे जोश और खरोश के साथ रसोई शुरू कर दी गई। जश्न के माहौल में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से फीता काट कर बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचाई गई और रौब गालिब करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर परोसा गया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के बेहद करीबी विभांशु वशिष्ठ वे उनके परिजनों के कोरोना पॉजिटिव आते ही सभी को सांप सूख गया। विभांशु के पिता की मौत हो गई, जबकि खुद जवान विभांशु भी मौत के मुंह में समा गया। आरोप लगे कि ये दोनों मौत कोरोना से नहीं बल्कि सरकारी अव्यवस्था के कारण हुई है। इन दोनों मौत ने महानगर अध्यक्ष मुकेश व अन्य पदाधिकारी को हिलाकर रख दिया। यह बात और है, विभांशु के शव को दिल्ली से लाने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। मौजूदा वक्त में सारी भाजपा म्यूट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में आ गई है। इस मौत का पहला रिएक्शन भाजपा मेरठ महानगर के जिला मंत्री दीपक शर्मा के रूप में सामने आया। दीपक ने गरीबों को दिया जाने वाले खाने की बंदरबांट पर सीधे सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर लाइव आकर दीपक ने जो कहा उसे जबरदस्त शेयर भी मिले। करीब डेढ़ घंटे बाद इस पोस्ट को यह कहते हुए हटा दिया गया कि महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के कहने पर यह हटाया गया है। सवाल उठ रहा है कि बिना पार्टी पदाधिकारियों के सहमति के दीपक शर्मा ने यह पोस्ट तो नहीं डाली होगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी उच्च पदस्थ लोगों ने सभी को चुप रहने के लिए समझा दिया है। संभवतः यही कारण है कि शहर में कोरोना नित्य नए चौंकाने वाले आंकड़े सामने ला रहा है, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है। हाँ, सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी ने जरूर आवाज उठाई है। पहले देखते हैं दीपक शर्मा के वरिष्ठ पत्रकार विभूति रस्तोगी को दिए गए साक्षात्कार के कुछ अंश। देखिए, मामला जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, कोरोना इस तरफ से मेरठ में फैला हुआ है, लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, और मैं समझता हूँ आगरा सबसे बड़ा जिला है जिसमें कोरोना का संक्रमण है, लेकिन वहाँ से ज्यादा मृत्यु मेरठ जिले के अंदर हो चुकी है, यानी कि मौत का जो अनुपात है वो मेरठ में ज्यादा है। अव्यवस्था कहीं नहीं है, अव्यवस्था है बिल्कुल नेचुरल। ये हम शायद जो वांछित हम कल्पना कर रहे थे प्रशासन से कि वो इतनी सुरक्षा के इंतजाम करेगा, लेकिन वो वांछित सुरक्षा के इंतजाम शायद प्रशासन करने में नहीं सफल हो पाया, और उसका कारण ये हुआ कि अब तक 14 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये इतनी भयानक मृत्यु है कि लोगों को कफन भी नसीब नहीं होता, अगर पोस्टमार्टम तक भी नहीं हो पा रहा है कारण था। बिल्कुल, तो इतना दुर्भाग्य होने के बावजूद हम लोगों की पीड़ा अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम फिर समाज से भी या हम मानवता के नाते फिर हम कहीं भी खड़े नहीं होते। मेरा आज का आक्रोश है, 7 का एक लड़का विभांशु वशिष्ठ, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह 26 वर्षीय लड़का, 110 किलो उसका वजन, हेल्थ में हष्ट पुष्ट और लगातार समर्पण भाव से भाजपा के लिए काम करने वाला, उसको भाजपा का झंडा नसीब नहीं हो सका।
कारण मैं समझता हूँ कि आज मुझे दुर्भाग्य इस बात का महसूस होता है कि उसके मौसा जी ने एक आरोप लगाया है कि मेरा लड़का भूख से मर गया। मेरे लिए उससे दुर्भाग्य की खबर कुछ नहीं हो सकती। जब से मैंने अखबार में पढ़ा है मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे खून का जो प्रभाव है किस कदर बढ़ गया है। विभांशु के पिताजी की मौत भी कोरोना से हुई, 540 उनकी शुगर थी और उनको 22 घंटे तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया प्रशासन, जबकि सत्ताधारी पार्टी के और उनकी दर्दनाक मौत उसके अंदर हो गई। शायद उससे ये सबक ले लेते, भाजपा हम सत्ता है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, मैं अपने जनप्रतिनिधि से भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, इन लोगों के खिलाफ जो प्रशासन में नपुंसक बने हुए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर, ऐसे प्रशासन नहीं चाहिए, इन्हें हटाया जाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल सही बात है, हमें नहीं चाहिए ऐसा जिलाधिकारी, हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो लोगों को मरता हुआ। अब ताजा विवाद विभांशु के बेहद करीबी अनिल गोल्डी के रूप में सामने आया है। उनका कहना है कि विभांशु के मोबाइल आदि इसलिए नष्ट कर दिए गए क्योंकि उसमें सरकारी सिस्टम की अव्यवस्थाओं का जखीरा मौजूद था। अनिल गोल्डी ने मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराने की मांग की है। आइए पहले सुनते हैं वह वीडियो। हेलो, हाँ जी गौरव जी, हाँ जी सर बताएं। हाँ, क्या हुआ, कुछ हुआ उसमें? सर क्या हो सकता है, हमने तो डिस्पोज करा दिया था सर उसको, क्या बताइए। डिस्पोज करा दिया तो फिर इसकी जिम्मेवारी आप ही लेंगे ना कराने की, ये तो मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री तक बात करूंगा इस मसले में, समझ लेना। केवल आपको मैंने शाम तक का समय दिया हुआ था, डीएम साहब से बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पीछे तक बात करूंगा। मतलब आपने मोबाइल डिस्ट्रॉय करा दिया है, ये काम कर रहे हैं आप सर, क्या मोबाइल भी करा दिया, पर्स भी करा दिया बिना देखे, और वो मोबाइल अभी आज भी चालू था जो आपने डिस्ट्रॉय कराया है। यार मेडिकल पे ऐसे आरोप लग रहे हैं, इतने घटिया आरोप लग रहे हैं लोगों को मारने के, और उसके बावजूद तुम्हारे को तो समझ नहीं आ रही इस तरह काम कर रहे हो। सर इन्फेक्टेड सामान हम किसी का नहीं देते हैं सर, हर पेशेंट का डिस्पोज होता है। मतलब इन्फेक्टेड सामान उसके अंदर लैपटॉप हो, कोई मोबाइल हो, किसी का पर्स हो, उसमें पैसे हो, सब आप रख लोगे अपने पास, अभी देते नहीं तो चालू कैसे है? सर हम नहीं देते, हम अपने पास नहीं रखते सर, डिस्पोज करा देते हैं उसको। नहीं, डिस्पोज कराने का किसने अधिकार दिया हुआ है आपको कि आप उसका सही सामान डिस्पोज करा दो? गाइडलाइन है सर, वही तो फॉलो करेंगे ना। नहीं, गाइडलाइन है, किसी का मोबाइल आप डिस्पोज करा दोगे, किसी का लैपटॉप डिस्पोज करा दोगे, किसी का पर्स डिस्पोज करा दोगे? सर पूरे हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट का कोई सामान नहीं दिया जाता सर, जो पेशेंट एक्सपायर होता है सबका सामान डिस्पोज हो जाता है। चलो ठीक है, आप ये जिम्मेवारी से मुझे बता रहे हो ना कि जो भी सामान है चाहे उसके पास कुछ भी है उसे आप डिस्पोज करा दोगे, और वो उसके बाद मोबाइल चालू है जो आपने डिस्पोज कराया है? सर ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ऐसा है ना, उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास चालू होने का भी, ऐसी हल्की बात नहीं कर रहे हैं आपसे सर। अगर रिकॉर्ड है फिर तो फिर पकड़ा ही जाएगा जिसके पास होगा। नहीं नहीं, पकड़ा जाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा हमने तो हमें आपके सबूत के रखी है वो चीज़। आपने जो डिस्पोज कराया है वो चालू कैसे हो रहा है सर? ये अब मैं कह रहा था चालू तो नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा, अब नहीं होने का कि आपको पता होगा ना उसके बारे में, अब इसलिए नहीं होने का, वो आपको जानकारी होगी इसके बारे में? नहीं सर, हमारे पास जानकारी होती तो। अब आप अपने हाथ खड़े कर रहे हो ना कि मैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि सीएमओ साहब से मैंने बात करी, उन्होंने भी आपके लिए बोला है मुझसे कि उनसे बात करो। हाँ, सीएमओ सर से बात हो गई, विभांशु के भाई से बात की है मैंने, उसने भी कहा कि आपके अंदर में था वो सामान, और आप कह रहे हो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया आपने? सर जो गाइडलाइन है वही फॉलो करते हैं हम तो, जो मतलब गाइडलाइन आपको ये मिली हुई है कि मरीज का जो सामान है उसकी डेथ होने के बाद उसका मोबाइल है, उसका पर्स है, उसका कोई और आइटम है, जो भी आप बिना देखे उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसे आग में डाल दो, कहीं में डाल दो, समुद्र में फेंक दो। इन्फेक्टेड होता है सर, वो इन्फेक्टेड होता है सामान। नहीं तो फिर तो उस कमरे में भी आग लगा दो, खतरा रहता है फिर तो उस कमरे में भी आग लगा दो जिसमें वो रहा है, डिस्पोज तो उसे नहीं करोगे आप सैनिटाइज? किसे सर? जिस कमरे के अंदर वो रह रहा है उस कमरे को भी खत्म कर दो सर, एम्बुलेंस लेके जा रहे हो, एम्बुलेंस को भी खत्म कर दो। बिल्कुल पीपी पहन के, कोई किसी को नहीं छूता है, आप एक बार आके मेडिकल कॉलेज। नहीं नहीं, पीपी की बात नहीं कर रहा, एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस को आप सैनिटाइज कराते हो? नहीं बिल्कुल, सामान को सैनिटाइज कराओगे नहीं कराओगे, ये सामान को फेंक दोगे? सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई सामान मांगे हमसे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब मोबाइल किसी का है वो मांगेगा नहीं अपना? नहीं सर, आज तक किसी ने नहीं मांगा। तो मांगेगा नहीं तो आप उसे अपने पास रख लोगे? सर अपने पास क्यों रखेंगे यार, अपने पास ही रहेगा, वो मोबाइल चल भी रहा है, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप डिस्ट्रॉय करने का क्या, किसने अधिकार दे दिया आपको डिस्ट्रॉय करने का मोबाइल का? सर नहीं हो सकता सर, अगर ऐसा कोई बात है, अगर आपके नुकसान की बात है तो हम नुकसान नहीं, नुकसान मैं आपसे पैसे तो मांग रहा हूँ, नुकसान को नुकसान तो बात यह है कि हो क्या रहा है, समस्या इस बात की है सर, ये यही तो? हाँ बोलो सर, यही प्रोटोकॉल है, हम किसी पेशेंट का कोई सामान नहीं देते, सब डिस्ट्रॉय होता है। सब चलो ठीक है, मतलब आपकी तरफ से डिस्ट्रॉय हो गया है, अब हमें जैसे करना हम कर लेंगे, ठीक है जी। भाजपा के जिम्मेदार लोगों की चुप्पी के बीच अब यह मांग भी जोर पकड़ने लगी है कि ऐसे हालात में अनुभवी पूर्व पदाधिकारियों को सामने लाया जाना चाहिए। इस खबर में आज इतना ही। कोरोना काल में अपना बेहद ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपना ख्याल तो खुद ही रखना होगा। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।